यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ली हैं। इसकी हाइट यहाँ से जैसे कि हमने पहले लिया था 5 सेंटीमीटर। मुझे लिखना है सेव वाटर। तो देखिए, पहले हम लेते थे यहाँ से 1, 2, 3 सेंटीमीटर में एक लेटर लिखते थे। अभी हमें इसे कंप्रेस करना है। जैसे हम कंप्रेस कर देते हैं और स्लिम सा हो जाता है फॉन्ट और कोई लेटर, तो उसे हम कैसे कर रहे हैं देखिए। मैं ये स्केल जो है, इस स्केल की विड्थ का एक लेटर लेता हूँ। इसे मैं, आप यूँ समझिए कि मैं कुछ अलग करके आपको जो पहले आपने सीखा है फॉन्ट को बेसिक बनाना, इसमें आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाएंगे और जो कि आपके कंट्रोल में रहेगा स्पेस भी, और लेटर्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, स्लिम करेंगे। यहाँ से ये मैंने स्मॉल स्केल लेकर इसके यहाँ से इधर से मैंने एज मिलाकर और इधर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए, ये जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये जितना भी सेंटीमीटर है, ये लगभग 2.6 सेंटीमीटर है, ये 3 नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्लिम हो करके हम इन लेटर्स को इतना लिखें। तो मुझे लिखना है एस। मैं क्या करता हूँ, इधर से हाइट जो है मैं 1 ही सेंटीमीटर लूँगा, जो इनकी वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें स्लिम कर दूँगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें मैं 1 सेंटीमीटर के लगभग ही रखूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की हाइट पे निशान लगा लेना है और ऐसे ही आप नीचे भी 1 सेंटीमीटर का गैप देकर एक लाइन लगा लीजिए, पैरेलल लाइन। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूँ कि जल्दी से राइटिंग आपकी कैसे लिखेंगे, साथ साथ ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, स्केल में लाइंस होती हैं, यहाँ पर ये लाइंस जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये लाइंस मैं क्या करता हूँ, इनकी हेल्प लेकर एक एक लाइन यहाँ पर पैरेलल लगा लेता हूँ। अब सपोज देखिए, मुझे इतनी मोटाई की लाइन खड़ी जो है वर्टिकल लाइंस चाहिए इस लेटर में, ठीक है, और हाइट जो, हाइट में जो मोटाई है जो इसकी, वो इतनी चाहिए। तो इस स्केल की हेल्प लेकर देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसे ये पैरेलल लाइन इससे लगा दिया और ये अगर दोनों लाइंस बराबर हैं, नहीं तो आप स्केल को घुमा लीजिए और इसकी मोटाई की यहाँ पर इस लाइन को मिलाकर, ये शुरू में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत आसान तरीका है, जल्दी से आप स्लोगन लिख सकते हैं। देखिए, अब ये बेसिक जो है इसका जो मुझे चाहिए था वो तैयार हो गया और हमें क्या करना है कि एस लिखना है। तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट के लिए यहाँ पर लाइन लगानी है और जब भी आप एस लिखते हैं तो उसमें ऊपर वाला जो सर्कल छोटा होता है और नीचे वाला सर्कल बड़ा होता है। ये जो मैंने पीछे आपको बेसिक लेटर्स लिखाए हैं या जो बेसिक लेटर्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे उसमें ऐसा नहीं था, यहाँ मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ, इससे आपके लेटर्स ये और भी अच्छे हो जाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से आप लिख सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो इसका हाफ लाइन ले लेता हूँ, इन दोनों के 5 सेंटीमीटर के बीच में हाफ जो है 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पर एक लाइन पैरेलल में लगा लेता हूँ। ये एक बार आप करना होगा, उसके बाद आपके लेटर्स फटाफट लिखे जाएंगे। अब जो है मुझे एस लिखना है, तो जितनी ये मोटाई 1 सेंटीमीटर, ऐसी ही मुझे यहाँ पर मोटाई चाहिए 1 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये हाफ ना लेकर के
थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा, ताकि ये पार्ट छोटा हो जाए और ये पार्ट बड़ा हो। तो इसमें जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप इसे कर दीजिए। तो ये पार्ट यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, देखिए। और ये कितना बच गया, या ऊपर से आप काउंट करके जितना भी ये, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज़ ये बच गया आपका 0.75, तो इधर से आप 0.75 करके 5, 6, 7 आप निशान लगा लीजिए। और इसे भी आप, ये आपके आगे भी दूसरे लेटर्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ई या एफ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज ये एक बेसिक सी हमारी नीड है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं है लेटर्स को जल्दी से बनाने का। देखिए अब एस आपको क्लियर लग रहा होगा, ये यहीं से आपको यहाँ टच करना है ऊपर ही, और यहाँ से घुमा के यहीं टच कर देना है ये, ठीक है। और थोड़ा सा ये नीचे मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से इसे कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो आप राउंड कॉर्नर ले लीजिए थोड़े से, यहाँ से ऐसे एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी ये थोड़ा सा इधर, यहाँ फिर राउंड, यहाँ से भी और इधर से भी, और थोड़ा सा इसको ऊंचाई देके, हाइट देकर, और यहाँ से इसको ऐसे आप मिला दीजिए। बाकी सब सेम है, जैसे मैंने आपको बेसिक लेटर्स लिखना बताया था। देखिए ये एस लिखा गया कम स्पेस में और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया। अब मैं लिखता हूँ ए, तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्पेसिंग जो है थोड़ा एडजस्ट करके चलूँगा, जिससे अब इस में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप लेटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एस के बाद सपोज आपको लिखना ए, तो ए जो है एस, अगर आपने ये लिखा तो ए आता है तिरछा ऐसे, तो यहाँ स्पेस रहेगा ज़्यादा, तो ए को आपको नज़दीक रखना है एस के। आप जितना नज़दीक रख सकते हैं उतना रख लीजिए। सपोज़ मैं ए यहाँ से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा गैप देता हूँ यहाँ से, बहुत मामूली सा पैरेलल लाइन, मैं देखता हूँ इस लाइन के पैरेलल, मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी प्रैक्टिस से स्केल को ऊपर से नीचे देखिए और पैरेलल लीजिए और एक लाइन लगा लीजिए हल्की सी। अब जो है मुझे इसकी चौड़ाई जो लेनी है, जैसे मैंने पहले स्केल छोटे स्केल से ली थी, इसी तरीके से यहाँ से छोटे स्केल से पैरेलल लाइन लगा लेनी है। काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये। जो ए के ये लेटर्स हैं, ये सॉरी ए के ये जो पार्ट है, इधर वाली साइड्स हैं, वो मेरे को लेनी है इतनी मोटाई की जितनी ये है। और जो बीच में मेरे को यहाँ पर ये वाला पार्ट है, जैसे ये लिखा मैं, ये वाला पार्ट है वो लेना है मुझे इतनी मोटाई का। इसका सेंटर पहले निकालना है, तो आप जैसे ये सपोज 2.5 सेंटीमीटर है, तो 1.25 ये मैंने निशान लगा लिया। और नीचे सेंटर हाफ करने के लिए इधर से ये कर लिया और इसको हल्का सा लाइन कर दी। अब जो मोटाई ये है एस की, ये ले रहा हूँ, ये अंदाज़ा है। अगर आपने काउंट करके करना है तो काउंट करके कर लीजिए, मैं अंदाजे से करता हूँ, और धीरे धीरे आप भी अंदाजे से करने लग जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 0.6, तो यहाँ पर 0.6 है, तो 3 इधर 3 इधर करके आप कर लीजिए, और इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर इधर है तो ये इतनी इधर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप जैसे, बाकी तरीका वही है लेटर बनाने का, यहाँ पर और इधर से इसे मिला दीजिए। अब क्या है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को
आप देखिए कि यहाँ पर ये पैरेलल जा रही है लाइन, क्या ये स्केल हमारा पैरेलल रखा हुआ है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये मोटाई, क्या ये मोटाई है, जो ये मोटाई है क्या इसमें ये मोटाई आ रही है, तो करके पैरेलल इसे आप लाइन लगा लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर चौड़ाई है, जैसे यहाँ पर रखी है ऐसे ही यहाँ पर, ये जल्दी काम हो जाएगा। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट आप स्लोगन या राइटिंग लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला गैप जो है, मैं यहाँ पर ये लाइंस हमारे काम आ गई, ये देखिए। अब ए हमने लिखा, एस लिख दिया, अब हमारा आता है वी। अब वी को हमें ऐसे लिखना है कि ये वाला गैप जो है विजुअली बराबर हो जाए, कर्निंग ठीक हो हमारी। तो ये देखिए, अगर मैं वी को ऐसे लिखता हूँ तो वी तो ए के अंदर ही चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें गैपिंग जो है, स्पेसिंग जो है, विजुअली सेट करनी है। तो मैं अगर ऐसे स्केल रखता हूँ, एक बार रख के देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्केल है और ये स्केल है। अब ये पुराना स्केल मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए कि इसमें लाइंस हैं। ये मैं कल लेकर आया था तो इसमें मुझे लाइंस नहीं मिली। हमेशा आप देखिए ऐसा लाइंस वाला स्केल यूज़ कीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है राइटिंग लिखने में। तो अभी मैं ऐसे जो है रख के देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर वी यहाँ आना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और जैसे जैसे आप काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक लाइन यहाँ से लगा लेनी है साथ के साथ, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन और लगा लेनी है जितनी की एक ही चौड़ाई है नीचे पाँव की। ऐसे ही आप यहाँ निशान लगा लीजिए और अंदाजे से ये देखिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो स्लोगन भी लिख लेंगे, तो आप बहुत अच्छी राइटिंग पोस्टर में लिख सकते हैं। अब देखिए, मुझे जो इसकी विड्थ है, ये जो एस की विड्थ है या ए की विड्थ है, इस स्केल के बराबर थी। देखिए ये देखिए, छोटे स्केल के बराबर हमने ली थी। तो मैं इस पॉइंट से स्केल सटा के और बिल्कुल खड़ा, जैसे वर्टिकल स्केल रख के, या फिर आपने सीधी अगर आप काउंट कर लीजिए, ये 2.6 है, तो यहाँ से आप काउंट कीजिए, 2.6 लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं बिल्कुल ऐसे करके, और ये ध्यान रहे कि ये स्केल जो आपकी शीट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, तो वी का जो है ये लाइन, आगे सारे लेटर्स टेढ़े जाएंगे। मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको शक है, तो आप यहाँ से इसको मेज़र करके देख लीजिए, ये है 7.7, इस पॉइंट से ये पॉइंट, इसी तरीके से इस पॉइंट से ये पॉइंट। मैं यहाँ पर पेंसिल से निशान लगा रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा, सब गंदा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए है ये सिर्फ। जब आप सीख जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, सफाई का ध्यान रखते हुए। थोड़ा सा देखिए फ़र्क आ गया है, तो बहुत मामूली सा, आधा बिल्कुल हाफ सा, कोई बात नहीं, हल्का सा आप उसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। अब क्या है, वी को आप यहाँ से वही जैसे पहले बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। अब ये पैरेलल यहाँ पर जितनी ये मोटाई है, इतनी मोटाई यहाँ ले लीजिए, ये देखिए वी हो गया। अगर मैं ई को ऐसे लिखता हूँ, एक तो ई जो है हमेशा वी या ए या एस से थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे तो अच्छा लगता है। देखिए भी मैं बताऊंगा आपको,
या फिर इसका साइज़ सेम रख सकते हैं, क्योंकि ये स्लिम है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट बिल्कुल कंप्रेस की हुई है, तो आप सेम साइज़ रख सकते हैं। लेकिन इसके ये देखना, अब नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस जो है हमारा, ये जो गैपिंग है, ये जो हमारी स्पेसिंग है, ये कर्निंग है, वो सेट करके लिखेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये ई ठीक रहेगा। देखिए कहीं पर गैप कम है, ये बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, इतना गैप है, इसके अंदर तो बिल्कुल ही टकरा गया है, जैसे वी ए के अंदर चला गया है। देखिए आप इस तरफ, ये ए यहाँ तक है और ये वी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये विजुअली आपको ध्यान रखना है। अब मुझे लिखना है ई, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ले लेता हूँ पैरेलल, और ये पैरेलल लाइंस ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे ई की वही जैसे यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ निशान लगा लेना है अंदाज़ा, और यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, ये मैं डार्क कर देता हूँ, हल्की सी लाइन लगाता हूँ यहाँ से, बाकी प्रोसेस वही है। देखिए हाइट ई का जो है ऊपर वाला हिस्सा,